गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ गीता ग्लोबल स्कूल। माय नेम इज सुरभि भारद्वाज, आई एम योर मैथ्स टीचर एंड दिस वीडियो इज़ फॉर क्लास सिक्स मैथ्स। वी हैव कंप्लीटेड चैप्टर नंबर एट, सो नाउ वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर नाइन विच इज़ डेटा हैंडलिंग। सो फर्स्ट वी शुड नो वॉट इज़ डेटा हैंडलिंग। डेटा हैंडलिंग में होता क्या है, मतलब डेटा हैंडलिंग का मतलब है आपके पास कोई बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि आपके क्लास में आपके टीचर ने पूछा कि आप ये देख के आओ कितने बच्चे प्रेजेंट हैं कितने बच्चे एब्सेंट हैं। अब आप देख के आओगे, आप काउंट करोगे, मान लो आपकी क्लास में बच्चे हैं टोटल 15, अब आप काउंट करोगे कितने बच्चे आए हैं कितने बच्चे नहीं आए हैं। तो वो आपने डेटा कलेक्ट किया है और उस डेटा को आप जब कलेक्ट करके अच्छे से ऑर्गेनाइज करके जब आप प्रेजेंट करते हो तो उसे क्या बोलते हैं, डेटा हैंडलिंग। अब जैसे आपको इसमें देखा, सबसे पहले क्या है, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या है कि टीचर जो है वो अपना हमारी जो अटेंडेंस है उसे रखती है डे टू डे, जिससे आप पता चले कि आप किस दिन आए हो किस दिन नहीं आए हो, या फिर आपके मार्क्स रखती है कि आपके किस टेस्ट में कितने मार्क्स आए। तो उससे क्या होता है, उससे होता है कि आपका जो डेटा है आपकी इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट रहती है। तो उससे आपको जब बाद में रिज़ल्ट बनाने की ज़रूरत पड़ती है तो पता चल जाता है कि किस बच्चे के कितने मार्क्स थे, टोटल कितनी परसेंटेज बनी, और कौन से बच्चे फर्स्ट आए हैं कौन से सेकंड आए हैं, या फिर किसकी कौन फर्स्ट डिवीज़न पास हुआ है कौन सेकंड डिवीज़न पास हुआ है। तो उस डेटा से हम लोग अच्छे से रिज़ल्ट को देख सकते हैं, बता सकते हैं। सेकेंड पॉइंट आता है रिकॉर्डिंग डेटा। डेटा को रिकॉर्ड कैसे करना है, इसमें एक एग्जांपल ले रखा है कि आप क्लास में, आपकी क्लास पिकनिक पे गई, ठीक है, वहाँ पे टीचर ने फ्रूट्स रख दिए बहुत सारे कि जिस स्टूडेंट को जो फ्रूट पसंद हो वो ले ले। तो सब स्टूडेंट्स ने अपनी अपनी पसंद के फ्रूट लिए, लेकिन अब आप इसे देख के बता सकते हो क्या कि किसने कितने कितने के किसने कौन कौन से फ्रूट लिया, फिर कौन सा फ्रूट ज़्यादा किसने लिया है। तो ये तो क्या हुआ, सिर्फ रिकॉर्ड कर लिया आपने डेटा कि इसने ये वाला फ्रूट लिया, प्रीति ने एप्पल लिया, अमर ने गुआवा लिया, फातिमा ने ऑरेंज लिया, अमिता ने एप्पल लिया। तो ऐसे आप बता सकते हो कि इसने ये फ्रूट लिया, बट आप ये थोड़ी बता सकते हो कि कितने कौन सा फ्रूट किसने ज़्यादा लिया, मतलब कि कौन सा फ्रूट ज़्यादा बच्चों को पसंद है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं डेटा को। जैसे कि अब देखा कि बनाना कितने स्टूडेंट्स को पसंद है, 8 स्टूडेंट्स को, ऑरेंज कितने को पसंद है, 3 स्टूडेंट्स को, एप्पल कितने को, 5 को, और गुआवा कितने को पसंद है, 4 स्टूडेंट्स को। तो ये जो ऑर्गेनाइज्ड, जब कोई डेटा कलेक्ट करते हो तो उसे इस तरह से ऑर्गेनाइज करो कि आपको रिजल्ट इजीली मिल जाए, उसे क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। अब मैं आपको एग्जांपल दे रखे हैं, इसमें क्या है, इन सब ने टेबल बना रखी है। अब ये क्या चीज़ है, ये होते हैं टैली मार्क्स। टैली मार्क्स का मतलब ऐसे मार्क्स, ऐसे निशान, ये बनते हैं सिर्फ 5 नंबर के, 1 2 3 4 5। तो ये निशान किसका बन गया, टैली मार्क का। अगर ये निशान है तो उसका मतलब कितने नंबर हो गए, 5 नंबर। तो आपको जैसे प्रेजेंट करना है 18, तो कैसे प्रेजेंट करोगे, 1 2 3 4 और 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ये क्या हो गया, 18 हो गया। तो आपको कहीं प्रेजेंट करना है तो आप 18 इस तरह से प्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन आंसर्स पे। उससे पहले हम एक पिक्टोग्राफ और पढ़ लेते हैं, पिक्टोग्राफ क्या होता है। नेक्स्ट आपका एक इसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक और है, तो पिक्टोग्राफ का मतलब क्या होता है, जब हम उन टैली मार्क्स की जगह पिक्चर्स का यूज़ कर लेते हैं, किसी भी तरीके की पिक्चर का यूज़ कर लिया तो वो क्या हो जाएगा, टैली मार्क हो गया। जैसे कि इसमें अगर हम टैली मार्क का यूज़ करते तो हम लाइंस खींचते, बट इसमें आपको नंबर ऑफ बुक बताने, तो इसमें बुक का ही पिक्चर लगा दिया। तो जिसमें आप टैली मार्क्स की जगह पर पिक्चर्स लगाते हैं वो क्या हो जाता है, पिक्टोग्राफ। सो अ पिक्टोग्राफ रिप्रेजेंट्स, एक पिक्टोग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है, डेटा थ्रू पिक्चर्स ऑफ ऑब्जेक्ट। जो डेटा है उसे ऑब्जेक्ट की पिक्चर्स के थ्रू शो करता है, मतलब आप उसमें जब आप टेबल बनाते हो, डेटा हैंडल करने की टेबल बनाते हो, तो उसमें आप टैली मार्क्स की जगह उस चीज़ की पिक्चर्स ऐड कर लेते हो। इट हेल्प्स
आंसर द क्वेश्चन ऑन द डेटा एट अ ग्लेंस। तो इसे आप देखते ही बता सकते हो कि कौन सी चीज़ है। जैसे कि आपको अगर बनाना शो करना है तो आप उसमें बनाना की पिक्चर यूज़ कर लो, एप्पल शो करना है तो एप्पल की पिक्चर यूज़ कर लो, तो आप उसके अकॉर्डिंग पिक्चर शो कर देते हो जिससे आप अच्छे से समझ सको। तो आते हैं 9.1 पे। फर्स्ट क्वेश्चन, सो क्वेश्चन नंबर 1 9.1 का, इन अ मैथमेटिक टेस्ट, मैथ्स का कोई टेस्ट लगा है, उसमें द फॉलोइंग मार्क्स वर ऑब्टेन बाय 40 स्टूडेंट्स थे क्लास में जिनके इतने इतने नंबर आए हैं। अरेंज दीज मार्क्स इन अ टेबल यूजिंग टैली मार्क्स। अब आपको ये मार्क्स यूज़ करने हैं टैली मार्क यूज़ करके, ये कितने बच्चे के कितने नंबर आए हैं। तो पहले हम इसके लिए टेबल बनानी पड़ेगी, देखते हैं कैसे बनाते हैं। सो चलो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 9.1। क्वेश्चन नंबर 1, इसकी हमें टेबल बनानी है। तो सबसे पहले हमें क्या दे रखे हैं, मार्क्स दे रखे हैं, तो हमने लिख दिया मार्क्स। फिर क्या है, टेली मार्क्स में बताना है हमें, और फिर देखना है हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के, कितने स्टूडेंट्स के कितने मार्क्स आए हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ओके, तो कहाँ तक नंबर हैं इसमें, आई थिंक 9 तक हैं, 10 किसी के नहीं है, तो 1 to 9 है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 तक हमने लिख लिया। अब काउंट करो कि 1 कितने स्टूडेंट्स के आए हैं, 1, 2, बस 2 स्टूडेंट्स के आए हैं 1, तो आपको 2 टैली मार्क इधर लगा देने और नंबर लिख देने 2। अब 2 कितने स्टूडेंट्स का आया, 1, 2, 3 स्टूडेंट्स के कितने आए हैं, 2, तो 3 टैली मार्क बना दो, 1, 2, 3 और 3 स्टूडेंट्स। अब 3 कितने स्टूडेंट्स के आए, 1, 2, 3 3 स्टूडेंट्स के ही 3 आए हैं। और 4 कितने के आए हैं काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 स्टूडेंट्स के 4 आए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 5 कितने के आए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 स्टूडेंट्स के कितने आए हैं, 5, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 अब 6 कितनों के आए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 स्टूडेंट्स कितने आए हैं, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अब 7 कितनों के हैं, 1, 2, 3, 4 and 5 5 स्टूडेंट्स के 7 आए हैं। अब 8 कितनों के आए हैं, 1, 2, 3, 4 4 स्टूडेंट्स के 8 आए हैं, 1, 2, 3, 4 और 9 बचा लास्ट, 9 कितनों के हैं, 1, 2, 3 3 स्टूडेंट्स के कितने आए हैं, 9 आप इनको टोटल करके देखो, पहले 40 स्टूडेंट्स हो गए कि हमारे, देखते हैं 2 और 3 5 5 3 8 8 and 7 15 and 6 21 and 7 28 and 5 33 33 and 4 37 37 and 3 40 40 स्टूडेंट्स हमारे हो गए। तो ये हमारी टेबल तो बन गई। उसके बाद हमें क्वेश्चन दे रखा है इसमें, फाइंड हाउ मैनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन मार्क्स इक्वल टू और मोर देन 7। अब आपको बताना है कि 7 या फिर 7 से ज़्यादा मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के आए हैं। तो 7 तो ये रहे, तो फर्स्ट क्वेश्चन में 7 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के आए हैं, 5 के। 8 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के आए हैं, 4 के। एंड 9 मार्क्स कितनों के आए हैं, 3 के। तो टोटल कितनों के आए हैं, 7 या 7 से ज़्यादा, 5 + 4 + 3 कितना आया, 12 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके 7 या 7 से ज़्यादा मार्क्स आए हैं।
नेक्स्ट, हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन मार्क्स बिलो 4। अब चार से कम कितने स्टूडेंट्स के आए हैं? चार से कम, तो चार से कम में 3 है और 2 है, तो कितने स्टूडेंट्स के हुए? 3 + 3 + 2 कितने हुए? 3 3 6 और 2 8। 8 स्टूडेंट्स के मार्क्स हमारे 4 से कम आए हैं। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हुआ। सेकंड क्वेश्चन, फॉलोइंग इज द चॉइस ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ 30 सॉरी चॉइस ऑफ स्वीट्स ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6। क्लास 6 के 30 स्टूडेंट्स हैं जिनको ये मिठाइयाँ पसंद हैं, ठीक है। अब इनकी हमें टेबल बनानी है, तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सबसे पहले क्या लिखेंगे? स्वीट्स, क्योंकि हमें स्वीट्स ही दे रखे हैं। फिर लिखेंगे टैली मार्क्स, और फिर लास्ट में स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब हमें कौन कौन सी देख रखे हैं? सबसे पहले लड्डू का देखते हैं, कितने स्टूडेंट को पसंद है लड्डू? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 स्टूडेंट्स को क्या पसंद है? लड्डू। तो इसको हम इसको टैली मार्क्स कैसे बनाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टोटल स्टूडेंट्स 11। दूसरी मिठाई कौन सी है? बर्फी। ये कितनों को पसंद है देखते हैं? 1 2 3 तो बर्फी कितने स्टूडेंट्स को पसंद है? 3 स्टूडेंट्स को। फिर आ गया दोबारा लड्डू, फिर आता है जलेबी। जलेबी कितनों को पसंद है देखते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 7 स्टूडेंट्स को जलेबी पसंद है। 1 2 3 4 5 6 7 ये हो गया 7। अब नेक्स्ट मिठाई आती है, फिर जलेबी हो गया, लड्डू हो गया, रसगुल्ला। ये कितनों को पसंद है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्टूडेंट्स को क्या पसंद है? रसगुल्ला। 7 8 9 स्टूडेंट्स को। उसके अलावा अब कौन सी मिठाई बची हमारी? सारी हो गई। अब इनका टोटल हमारा 30 आना चाहिए। 11 and 3 14 14 and 7 21 21 and 9 30 हो गया 30। अब क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट, अरेंज द नेम ऑफ स्वीट्स इन टेबल यूजिंग टैली मार्क्स। वो तो हमने बना लिया टैली मार्क्स की टेबल। उसके बाद, विच स्वीट इज़ प्रिफर्ड बाय मोस्ट स्टूडेंट्स। सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को कौन सा स्वीट पसंद है? तो सबसे ज़्यादा नंबर कौन सा है? 11। तो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को कौन सा स्वीट पसंद है? लड्डू इज प्रिफर्ड बाय मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को क्या पसंद है? लड्डू पसंद है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद सेम आपको ये जो क्वेश्चन है ये आपको उसी में दिखाना है, एक टेबल में टैली मार्क्स में बताना है, फिर इन क्वेश्चंस के आंसर देना है आपको। आप टैली मार्क्स देके इन क्वेश्चन के आंसर दे सकते हो। अब आ गया हमारा पिक्टोग्राफ का क्वेश्चन। पिक्टोग्राफ के क्वेश्चन में क्या है? यूजिंग पिक्टोग्राफ आपको दे रखा है कि 5 विलेजेस में कितने ट्रैक्टर्स हैं। तो आपको ट्रैक्टर ही दिखा रखे हैं, ट्रैक्टर्स का यूज़ कर रखा है। अब आपको इसके हिसाब से क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। विच विलेज हैज़ मिनिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर। तो आप देखो सबसे कम ट्रैक्टर किस में है? सबसे कम है विलेज डी में। तो हम इसका आंसर सीधा लिख सकते हैं, विलेज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच विलेज हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर। सबसे ज़्यादा किस में है? सी में। हम काउंट करके या फिर देख के बता सकते हैं किस में है? विलेज सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी मोर ट्रैक्टर्स विलेज सी
हैज़ एज कम्पेयर टू विलेज बी। विलेज सी के पास विलेज बी से कितने हैं, तो विलेज सी में कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और बी में कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, तो 8 - 5 कर दो, कितना बचा, 3 ट्रैक्टर्स, 3 ट्रैक्टर्स सी के पास ज़्यादा हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स इन ऑल 5 विलेजेस, सारे विलेजेस में टोटल मिला के कितने ट्रैक्टर्स हैं, तो इसमें कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसमें 6, इसमें 5, इसमें 8, इसमें 3 और इसमें 6, सबको टोटल कर दो, 6 and 3, 9, 9 and 8, 17 and 5, 22 and 6, 28, तो टोटल कितने ट्रैक्टर्स हुए, 28। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हुआ, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।